वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजु ओडिया हब। एजु ओडिया हब यूट्यूब चैनल को मु समस्त को स्वागत करुछि। आज आम ओडिया साहित्यर जो लोक साहित्य अछि लोक साहित्य विषय आलोचना करवा। लोक साहित्य कौन, लोक साहित्यर प्रकार भेदरे क्यों क्यों सब विषय रहिछि ताहाकु आज आम आलोचना करवा। तो देखो आम प्रथम लोक साहित्य जानिबा पूर्वरु एही लोक शब्दर अर्थ को जानि नेबा। लोक शब्दर अर्थ कौन, लोक शब्दर अर्थ हेउछि व्यापक। तो आम जो लोक साहित्य अछि, लोक साहित्य सारला साहित्य जो कौन परे परे ही होता, तो जो सारला साहित्य थिला सारला साहित्यर विकास सहित होता तीनोटी मुख्य धारा थिला ताहा हेउछि कथित साहित्य बा लोक साहित्य, एवं द्वितीय रे होची अभिलेख साहित्य, एवं तृतीय रे होची लिखित साहित्य। तो जो तीन प्रकार रो ए साहित्य थिला सेति मध्यरु लोक साहित्य बा कथित साहित्य अन्यतम अटे। तो मु कौन कहतली कि जो लोक शब्द अछि लोक शब्दर अर्थ कौन अत्यंत व्यापक। लोकर अर्थ कौन, लोकर अर्थ होची जनसमाज हला। तो जो लोकर अर्थ जनसमाज हो पारे अथवा आम आहुरी मध्य कहि परबा कि समग्र भुवन को मध्य बुझे थे। ताहले देखो ओडिया भाषा रे साहित्य लिखित होगा पूर्वर ढगढमाली नीतिवचन कांदणा गीत कृषक गीत बोली गीत नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोकमुखर प्रचलित हो आसुवर आम यह कौन कही था मौखिक साहित्य बालक साहित्य बोली कही था। ताहले देखो जो लोक साहित्य अछि लोक साहित्य ग्राम बा पल्ली रो आरंभ होइतवारु एहा को पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य बोली मध्य कहा जाए। तो जो लोक साहित्य विषय रे आमे पढ़ुछु तहार रचयिता किए एहा को रचना करथला ताकु मध्य आमे जानिबा दरकार। तो देखो जो लोक साहित्य अछि लोक साहित्य रो रचयिता जणे नहे तहा अगणित लोकंकु नेकि होइछ हला। पुणी एहा कोनोसे एक निर्दिष्ट दल बा संप्रदायर नुहंती, एहा कोन होइथाय तुंडरु तुंडकु प्रसारित होई ग्रामरु ग्राम ओ शेषरे समग्र प्रदेशकु व्यापी जाइथाय। जेतेबेले आमे पल्ली गीत ठारु पाठ करथाउ सेतेबेले आमकु लागे जणे ओडियाणी मुहरु आमे सुनिला भलि लागिथाय। तापर देखो जो लोक साहित्यर रचयिता अछंती हला से जे भी हो ना काहेकि ताहा कौन करते समाज अन्य मानकर बाहक साजि थाए एवं बाहक साजिबा संगे संगे धारक एवं प्रचारक मध्य होई थाए। तो आम रचयिता विषय जानिला एबे देखिबा जो लोक साहित्य अछि लोक साहित्य केते भाग रे विभक्त। मुख्यतः लोक साहित्य को तीन भाग रे विभक्त करा जाए ताहा कौन कौन अटे लोकगीत लोक कहानी एवं लोकनाटक। तो जो लोक साहित्य तीन भाग रे विभक्त सेथिमध्यर आम आज लोकगीत को आलोचना करिबा हला। तो लोकगीत आम का कहवा एवं जो लोकगीत अच्छे लोकगीत के विभक्त ताकू देखिबा। तो देखो लोकगीत हूँ लोक जीवन वेद व्यक्ति जीवन पारिवारिक चलनी लोक समाज सार्विक परिप्रकाश यही लोकगीत ही अटे। लोकगीत समस्त मुख रे आबद्ध हो कि रही था लोकगीतर आलोचन सुगमता दृष्टि यह मुख्यतः केते भाग विभक्त मुख्यतः यह चारि गोटी बा चारि भाग रे विभक्त ताहा होची नारी गीत पुरुष गीत शिशु गीत और नारी पुरुष गीत। तो जो लोकगीत चारि भाग रे विभक्त ताहा कौन नारी गीत पुरुष गीत नारी पुरुष गीत एवं शिशु गीत। तो ये नारी गीत आम क्या कह नारी गीत आम क्या कह जेतेबेले आम नारी गीत कहूँ आम मनरे स्वतः प्रश्न उठे कि यही नारी गीत टी कौन हला आम नारी गीत क्या कहवा। तेल देख नारी गीत मुख्यतः कांदणा गीत ढगढमाली गीत नानाबाया गीत पुची गीत चिताकुटा गीत ओसा पूजा गीत डालखाई गीत इत्यादि नारी बालिका मैंने गाथ्वा गीत को आम नारी गीत बोली कही था एवं ए गीत माने नारी गीतर अंतर्भुक्त होई थांती। ताहले देखो कांदणा गीत केते बेले
गोटे नारी गाई थाए केते बेले गोटे नारी गाई थाए कांदणा गीत जेते बेले गोटे माँ गोटे झीव को कौन कर विदाय दे थाए से समय रे कौन होता है विदाय नहीं थोड़ा झीटी ता माँ प्रति ता पिता प्रति थी स्नेह को हला से समय रे कौन कर भाविकी जो कांदणा गाई कांदणा गीत गाई थाए ता कौन कह जाए कांदणा गीत कह जाए हला। देख जो पुची गीत कौन जिते बेले झीव माने बा छोटे छोटे बालिका माने कौन करथंती खेलु थांती हला पुची खेल से समय रे गाउथबा गीत को आमे पुची गीत बोली कही था यथा गोटे उदाहरण ने कि आमे देखिबा कि पुची गीत किपरि भाव रे गायन करा जाए। देखो गोटे उदाहरण होची जे कि देखो कौन दिया होची हटाइली रे हटाइली चूड़ा दुई माण कुटाइली अईठा पतर चटाइली ये होची पुती बा पुची खेल खेलुवा समय एक गीत हला। तापरे ठीक से पूरी ओसा पूजा गीत केते बेले गाई थांती हला जेते बेले कौन झीव माने ओसा व्रत करु थांती से समय गाउथवा गीत को ओसा गीत कहा जाए एथिरे जन्नी ओसा मध्य गीत आसी थाए तो जन्नी ओसा जो गीत अच्छी से कौन थे देख कौच गोटे जन्नी जन्नी आंजुड़ी नीति पकाए तीन आंजुड़ी दोली रे जाए दोली रे आसे पटा पिढ़ा खंट माड़ी बसे मो बहु मो कोड़े बसे नातुणी बहु रांधि परसे हांडी पोछा भात दिए हांडी पोछा तीयण दिए ये हूँ जह्नी ओषा गीतर एक उदाहरण। तापर आम देखा पुरुष गीत आम पुरुष गीत का कह पुरुष गीत अंतर्भुक्त कृषक गीत नाउरी गीत गोपाल लौड़ी गीत खेल गीत दंडनाट गीत एवं चकुलिया पंडार गीत देख गाँ मान कौन होता है जोगी मैंने गीत गायक कौन कर भिक्षा कर तो से गीत पुरुष गीत अंतर्भुक्त होता है तो जो पुरुष गीत अच्छे पुरुष गीत आम कृषक गीतर गोटे उदाहरण लेकिन देख उदाहरण कौन अटे देख ए राम विभाग रे हो लक्ष्मण बर जाति कनक बेदी तले तो कला धड़ा छती तो सुवर्ण छायणी मुकुता पेंथी पेंथी जे हीरा तो खोसणी ये हूँ कौन कृषक गीत ये पुरुष गीत आहुरी गोटे गीत ताकि नाउरिया गीत आम क्या कहला तो जिते बेले कौन कर गोटे नाउरिया लोक है लोकं कौन कर नदी पार कर समय जो गीत गाई थे ताक आम कौन कही नाउरिया गीत बोली कही था। तापर अच्छे देख जोगी गीत आम क्या कह ओडिशा रे जोगी बोली एक जाति अच्छा है तो जो ओडिशा रे जो जोगी बोली जाति अच्छा यह जातिर लोके घर को घर कौन बुले केन्द्रा बजाई गीत गाँव भिक्षा अर्जन करीत गाई था आम कौन कही जोगी गीत कही था जो जोगी गीत अच्छे जोगी गीत टीका गोविंदचंद्र गीत अंतर्भुक्त एवं बौला गाई गीत अंतर्भुक्त है। देख शिशु गीत तृतीय अच्छी शिशु गीत लोकगीत शिशु गीतर भूमिका अधिक प्राधान्य दि जाए ना कारण शिशु कौन करें सब खेल पसंद करें जिते बड़े शिशु घूरी घूरी खेलु थाए से समय कौन कर चका भूरी गीत कही तेणु आम यह शिशु गीत अंतर्भुक्त करा नहले ओडिया साहित्य शिशु गीत को अधिक प्राधान्य दि जाए ना। परिशेष नारी पुरुष गीत रही आम नारी पुरुष गीत क्या कह तो यह हूँ ओडिया लोक गीतर शेष है। तो देख कौन दिखाई गाथा गीतिका स्मृति गीतिका सबर सबरुणी गीत बा नादिया गीत ए समस्त गीत बा नारी पुरुष गीतर अंतर्भुक्त होती। तो देख ना दिया गीत केते बेले गाई थांती यह हूँ बुद्धि परिमापक एक क्रीड़ा है पुरुष नारी कौन करथांती उभय गीत गाई थांती प्रथमे पुरुष गीत गाइले
से झीव अक्षर छाड़ब तापर नारी गीत गाइब यह आम आहरी कही पार अंताक्षरी तो यह नादिया गीत बोली कितु यह लोकमुखर जो प्रचलित होता है गाँव रीत जो होता है ताक आम कौन कही था नादिया गीत बोली कही था। तो ये नादिया जो गीत अच्छी ए कौन होता है देख आम जपुर धंदा कही था सेपर मध्य गीत होता है जपरी गोटे उदाहरण नहीं कि देखा माटी झांपुरी मुंडी झीटी रकत तुंडी जो मु कहली यह दुईट अर्थ को परिप्रकाश करे ता कौन गोटे देख यार गोटे बाह्य अर्थ अच्छे एवं गोटे अंतर्निहित अर्थ अच्छे बाह्य अर्थ कौन अटे बाह्य अर्थ देख माँ झांपुड़ी मुंडी बा असुंदरी हेले मध्य झील नाली ओठ जुक्ता सुंदरी अटे मात्र यार अंतर्निहित अर्थ बा प्रकृत सरस सुंदर अर्थटी कौन लंका मरीच कारण देख झांपुड़ी मुंडी माँ हूँ लंका गरीच मछ लंका मरीच गच एवं रकत तुंडी झी हूँ लंका मरीच है भाव में नादिया गीत गाई था क्यों मैंने नारी पुरुष मैंने देख स्तुति गीति स्तुति गीति मान उभय नारी और पुरुषों द्वारा आवृत्ति लाभ कर देख कौन जा ग्राम्य नारी प्रतिदिन सन्धार बृंदावती ग्रामदेवी दीप जलाए मंगला स्तुति गाई थाए ता स्तुति गीत अंतर्भुक्त होता है। यह गीत को साधारणतः हलिया मृगुणी स्तुति बोली कहुए कहीं कहले कृषक कृषिकर्म व्यस्त थिला बेले मृगुणी स्तुति पदे पदे गाय निजर श्रम लाघव करते तेणु यह कौन कहुए हलिया मृगुणी स्तुति गीत बोली कहुए। तो जदि भल लगे कमेंट बक्स निश्चिंत भाव जन एवं लाइक शेयर कमेंट ता सहित सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।